अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज का व्लॉग कुछ खास होने वाला है। आज मैं मिलने जा रहा हूँ अपने अजीज दोस्त से, जो कि हमारी यारी के तकरीबन सात साल हो गए, और सात साल बाद मिलने जा रहा हूँ। तो चलते हैं और फिर आपको भी दिखाते हैं, ज़्यादातर लोग तो जानते होंगे। चलें, दस पंद्रह बंदों से पूछने के बाद आखिरकार मंदिर तक तो नहीं पहुँचे, लेकिन उसने बोला ताज मस्जिद के पास पहुँचो। तो यह है ताज मस्जिद। अभी इसको कॉल की थी, तो कह रहा है मैं आ रहा हूँ, वो आता है तो फिर मैं आपसे भी मिलाते हैं। आ रहा होगा। इतना बड़ा यूट्यूब टिकटॉक हो, टिकटॉकर होकर और यूट्यूबर होकर इस हालत में आ रहा है, दिस इज लेजेंड। भाई ये है इजी लेजेंड का घर। अभी वो घर वालों को साइड पे करेगा, फिर हम जाएंगे। और ये है हमारी बसंती जिस पे हम आए। तो हाँ जी हो जाए। तो भाई हमें बुला के अभी लाइट आई है और खुद एडिटिंग में लग गए। नोटिफिकेशन आ रहे हैं लेकिन उस पर गौर नहीं है, सारा गौर भाई साहब का है एडिटिंग पे। अगर किसी ने एडिटिंग करवानी, बोल के सारे ही जानते हैं वहाँ में, जिसे कोई नहीं जानता, बाकी इन्हें तो सारे जानते हैं। और यह है मेरा कज़न और ये पप्पू सा बच्चा। बाकी आज पता नहीं सूरज कहाँ से निकला, आज भाई खिलाएंगे वो भी अपने पैसों से। जो पिछले 5 सालों में किसी ने बस ये पूछते थे पानी पीना है, हाँ पीना है, एक बार बोल दिया पीना है, ठीक नहीं बोला तो उसके बाद पिलाता नहीं था, और आज वो अपने पैसों से खिला रहे। अल्लाह की देन, सब ऐसा ही है भाई। वाह, मिला आज अपने पैसों से खिला रहे हो फिर। ओहो, ऐसा वैसा खिला रहे हैं बस, खिला रहे हो। बन रहा है घर में, बन रहा है बस। घर का क्या हुआ? मैं तो सोचा था मैं तुम्हारी तो तुम लोग की किस्मत चमकाऊं, लेकिन अब वो घर बन रहा है, वो बोल रहा है नहीं भाई, गरीब अमीरों मैं क्या बोलूँ बस। ये टोपी ड्रामे थोड़ी चलेंगे। कैमरा तो सीधा पकड़ तू, हम तो ऐसे पकड़ते हैं, ऐसे एक इस तरह ऐसे व्लॉगर ऐसे पकड़ते हैं। ये पावर बैंक है, ठीक है, ऐसे पकड़ते हैं, ठीक है। अब तो मैं जिस तरीके से कर रहे हैं यूं रखा हुआ है, ठीक है, ना कोई अकल, इनको ना अकल है ना कुछ है, ठीक है, व्लॉगर बन गए, ठीक है, बस क्या कहते हैं नाम के, एक मिनट। हाँ सर, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं आया ना अभी, आराम आराम से आएगा, फिर इस तरह अभी इस तरह पकड़ते, फिर इस तरह इस तरह भी पकड़ देंगे। कसम तेरे से अच्छा मेरा, तेरी शक्ल से अच्छा मेरा पीसी लग रहा है मुझे, बना रहा इसकी बनाऊँ मैं, तेरी नहीं बनाऊँ। तो भाई अभी हम आए, क्या चीज़ है पिज्जा, पिज्जा पिज्जा, ये वाला पिज्जा, ये औकात से बाहर वाला, औकात से बाहर वाला मंगवाया तो लिया है हमने, लेकिन पैसे पूरे नहीं हो रहे। 600 इसके पास से, 600 मेरे पास है। अच्छा भाई ने मांग रहे हैं, देखते कौन देता है। मैसेज पे मैसेज करने में लगे हुए, किसी न किसी से उम्मीद आ गए। ये नहीं है कि पैसे नहीं है, पैसा बहुत है, पता नहीं रहा, जा नहीं रहा, हमारा जेब खराब है कि अकाउंट में पड़ा हुआ है। 9 बजे के बाद आएंगे, 9 बजे के बाद आएगी ट्रांजेक्शन, इस चक्कर के अंदर फंसे हैं। पेटीएम मार के ATM से खाली हो गए सारे, जैस कैश में इसीलिए तो वाड़े थे मैंने, दो सारे ATM से। हाँ मैं अपनी ATM की बात कर रहा हूँ। ये क्या लोग है यार, कैसे कैसे लोग हैं। दान निकाल, कहाँ जा रहे हैं? ATM है, एक तो दिखाई नहीं दे रहा बंदा, जूम भी कर ले इसको सही तरीके से। कितने लोग खड़े हैं, लगता है सबकी तनख्वाहें आ गई हैं। हमारी नहीं आई, पैन आई गई, खाना आ गया, मोटी शैन मोटा पैसा। इजी लेजेंड की तरफ से क्या स्ट्रिंग पियोगे, बोतल क्या पीना, मेरे बच्चे को बुखार तो नहीं हो रहा, पहली मरतबा नहीं, पहली मरतबा बोतल कौन सी बोतल जो आपका दिल करेगा। नहीं चाहिए तो ये भाई आजा आजा बैठ जा। कौन सी चाहिए, कितना पैसा आया ये बताओ ना। अरे पैसा छोड़ो, मैं कहता हूँ ये रख ले सर, बोतल कौन सी शेक मंगवा ले, शेक पीना है।
मैं बोतल लेकर आ रहा हूं स्ट्रिंग मंगवा दी चल स्ट्रिंग मंगवा दे चल स्ट्रिंग मंगवा अबे शेक 60 रुपए का स्ट्रिंग नकल पे की है तभी तो मैं कह रहा हूं शेक कितने का लास्ट में चेक कर चालीस का बिल आ गया और भरेंगे इजी लेजेंड बटन भरेंगे कितने हमारे पास है 1200 हमारे पास है बाकी पीछे रह गए 640 रुपये नहीं 440 रुपये तो 440 के भी हम देंगे बर्तन ये मोटी चैन मोटा पैसा जी ऐसी बात नहीं है भाई के पास पैसा बहुत है चैन तो बर्तन थोड़ी धोने देगा हमें हैं पोछा भी लगाऊंगा तुम्हारे तो भाई कितने घंटे की फ्लाइट 12 बजे आए थे शायद हम तो 12 कितने बजे आए थे अजान के बाद 2 बजे आए थे 2 बजे से 5 घंटे की सवारी हुई है 5 घंटे की फ्लाइट के बाद तो अब टाइम आ गया जाने का वैसे दिल तो नहीं कर रहा मैंने तो बोला इसको कि भाई रुक जा लेकिन ये रुक ही नहीं रहा भाई गलती इसी की है साथ भाई असल में मेरा मसला नहीं है इस भाई का मसला है इसने कल काम पे भी जाना है मैं बोल रहा हूँ इसको छोड़ तुम लोग को छोड़ गया तो तुझे मैं वापस ले आता हूँ भाई आगे कर घर भी तो जाना है ना अपने तो सुबह मैं तुझे छोड़ आऊंगा ना 6:30 कितने बजे बोल सुबह मैं तुझे 4 बजे यहाँ से लेके निकलूंगा छोड़ आऊंगा मैं तुझे अरे सिद्धार्थपुर आऊंगा ना सिद्धार्थपुर पक्का वहाँ पे आएंगे फिर वहाँ पे इसका एक कजन है आप लोग जानते होंगे इतना कोई नहीं 2-3 घंटे मिल गया वो भी बहुत है तो हमारे ब्लॉग का एंड इजी लेजेंड करेंगे तो मैं क्या करूँ ये लो भाई मैं क्या एंड करूँ मेरी तो खुद हालत एंड हुई पड़ी है मैं मुझे ये भी नहीं पता कि मैं लग कैसा रहा हूँ पैंच अच्छा लगा ठीक है अपने भाइयों से मिलके पूरे मैट्रिक के बाद आए मैट्रिक के बाद अब जाके मिले हैं कम से कम कोई 4 से 5 साल हो 4 से 5 साल हो गए हमें ठीक है काफ़ी अच्छा दिन रहा आज का जो भी चार ये जिंदगी भर याद रहेंगे ठीक है क्योंकि मैं तो इधर अकेला रहता हूँ ठीक है अब ये लोग ही आते हैं कभी कभार मिलने कुछ कोई फैंस आ जाते हैं लेकिन ये तो फिर जाने हैं अपने उधर रहें ये सारा सीन अभी शायद कोई जानता हो शायद कोई नहीं जानता हो लेकिन जो जानते हैं वो मानते हैं हाँ ये तो है ये भाई की एडिटिंग और कंटेंट चलो यार अब मिलेंगे तुम मेरे साथ तो नहीं मिलोगे ठीक है क्योंकि मैं तो यूट्यूब पर हूँ नहीं फिलहाल वो अभी नहीं भाइयों के साथ मिलेगा भाई को सपोर्ट लाजमी करना ठीक है भाई के पास बच्चियाँ आ जाता कि थोड़ी शादी वादी हो जाए उल्टी बेइज्जती हो रही है ठीक है यार अब मिलना इसी के साथ नेक्स्ट टाइम और इसी के साथ अगले व्लॉग में मेरे साथ तो मुश्किल है अल्लाह हाफ़िज़